भंवरे ने खिलाया फूल फूल को ले गए राजकुमार। जी हाँ, फिल्मी दुनिया के मल्टी टैलेंटेड एक्टर ऋषि कपूर का ये गाना अभी भी लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में गूंज रहा होगा। आज इन्हीं के पल को याद करते हुए हम आपको इनके करीबी सदस्य से रूबरू करवाएंगे, जो है इनकी खूबसूरत पत्नी। अगर आप इनकी पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना और बॉलीवुड के इस दिग्गज कलाकार के लिए वीडियो को लाइक भी कर देना। दोस्तों, कपूर खानदान का हर एक सितारा काफी मशहूर है, क्योंकि ये एक ऐसा खानदान है जो कई सदियों से बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज करता हुआ आ रहा है। और आज हम ऋषि कपूर के परिवार के एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने वाले हैं जो ऋषि कपूर के दिल के करीब थी। जी हाँ, अब आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, उनकी पत्नी नीतू कपूर की, जो खुद ही एक जानी मानी अभिनेत्री रह चुकी हैं। अगर बात करें इन दोनों की लव लाइफ के बारे में, तो जिस चॉकलेटी बॉय ऋषि कपूर पर लड़कियां मरती थी और एक झलक पाने के लिए बेताब रहती थी, उसका दिल तो नीतू कपूर पर आ गया था। ऋषि कपूर नीतू कपूर को परेशान और चिढ़ाए बगैर इन्हें नींद नहीं आती थी। नीतू और ऋषि की पहली मुलाकात जहरीला इंसान के सेट पर हुई और ऋषि की नजर नीतू पर पड़ी और लगा तो कुछ खास है। आपको बता दें, ऋषि कपूर और नीतू कपूर का प्यार बिल्कुल इस गाने की तरह है। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे, हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे हो जैसे। ऋषि कपूर और नीतू कपूर का बॉन्ड ऐसा था कि दोस्ती तो दूर, सेट पर हमेशा लड़ते ही रहते थे, लेकिन कब ये नोक झोंक दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई दोनों को ही पता नहीं चला। 14 साल की नीतू को ऋषि से बेपनाह प्यार हो चुका था, ऐसा प्यार जिसके लिए उन्होंने अपनी माँ से खूब मार खाई थी, लेकिन जब हुआ तो जन्म जन्म का रिश्ता बन गया। नीतू ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मौत उन दोनों को यूं जुदा कर देगी, और आज आलम यह है कि नीतू काफी टूट सी गई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन दोनों की जोड़ी को भगवान को कभी अलग नहीं करना चाहिए था ना? अगर आप भी इस बात से अग्री करते हैं तो हमें कमेंट में बताना, और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।